मैं सिद्धार्थ इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है। तो हम लोगों ने पहले 2 साल की रिसर्च करके लास्ट ईयर एक 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स करके एक डॉक्यूमेंट्री निकाली। 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी जिसके अंदर विटनेस, विक्टिम्स, सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स और गुरुद्वारा कमेटी के भी कुछ ऐसे साहिबान जिन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करी और देखा कि 38 साल के बाद उनकी जिंदगी कहाँ पहुंची आज। तो जब हमने ये करा तो हमारी मुलाकात कुलदीप सिंह मुदल जी के साथ और प्रसून कुमार जी के साथ हुई। तब हमें पता चला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानपुर में 127 सिखों को मारा गया, उनके केसेस को टेकअप करा। 35 साल के बाद SIT का संगठन हुआ। SIT बनने के बाद जो विक्टिम्स थे, विटनेस थे, उन लोगों के, उनके परिवार जो पीछे रह गए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करा। जब इन्वेस्टिगेशन चली तो उनसे सारा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सपोर्ट लेना, कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारी चीज़ें जो 39 ईयर्स तक आज तक सामने नहीं आई कि कैसे 84 में पहले उनको मारा गया और फिर उसके बाद 35 साल तक वो छुट्टे छुपाते रहे, अपनी लाइफ बचाते रहे। 35 साल बाद शुरुआत हुई और फिर जाके 39 ईयर्स के बाद कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये उस पूरी जर्नी की कहानी। फिल्म कितनी मिनट? कम 2.5 से 3 घंटे की होगी। डॉक्यू ड्रामा बेस्ड फिल्म है ये। तो ये हम लोगों की कोशिश रहेगी कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे और थिएटर्स में भी निकालें और साथ में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं और फिल्म फेस्टिवल्स हैं वर्ल्ड ओवर इसको दिखाई जाए कि ये उन सिखों के साथ हुआ जो मानवता के लिए और सर्वदे भले पे और सेवा के लिए जाने लगे। कोशिश हमारी है 31 अक्टूबर 2023 इसी साल, तो लेट टू लेट नवंबर मिड तक हो जाएगी। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। मूवी में आपका क्या रोल है? मैं मूवी के अंदर, एक तो हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जो निकाल रहा है, उसके अंदर एक अहम किरदार है जिसके अराउंड मूवी रहती है, तो उनमें रोल मेरा है। हाँ, मैं संगत को बताना चाहूंगा कि ये पुराने जख्म है उसको खरोचने का काम नहीं हो रहा, बल्कि जो 39 ईयर्स तक लोगों की जर्नी रही है संघर्ष की और रिहेबिलिटेशन की, इससे सीखने को जरूर मिलेगा कि आगे चल के अगर दुनिया भर में कहीं पे भी ऐसे कोई इन हादसों का शिकार होता है तो उसको किस तरीके से दोबारा एक तो लीगल बैटल करके इंसाफ पा सकते हैं और रिहेबिलिटेशन के ऊपर दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं।